नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा, मैं हूं स्नेहलता। सुनो, यूपी की शुरुआत करते हैं, खबर लखनऊ से है। रिवर फ्रंट घोटाले की जांच तेज हो गई है। ईडी ने ठेकेदारों को पूछताछ के लिए बुलाया है। सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर रहे रूप सिंह के करीबियों से पूछताछ की खबर है। चैनलाइजेशन प्रोजेक्ट और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से जुड़े हैं ये लोग, और कुल 34 लोगों को ईडी ने तलब किया है। इनकी भूमिका संदेह के दायरे में ईडी को लगती नजर आ रही है, और इनसे जांच के लिए, इनसे बातचीत के लिए, पूछताछ के लिए इन्हें तलब किया गया है। तो ईडी अपना काम बहुत तेजी से कर रही है। दो प्रोजेक्ट है जिस पर ईडी को शक है, चैनलाइजेशन प्रोजेक्ट है और इसके अलावा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। इससे जुड़े जितने लोगों को ईडी खंगाल रही है, उनकी भूमिका तलाश रही है, उनके कागजात देख रही है, और ऐसे में कुल 34 लोग ऐसे हैं जो ईडी की निगाहों में हैं, उन्हें तलब किया गया है और उनसे आगे क्लेरिफिकेशन लिया जाएगा। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी का, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ईडी को आखिरकार। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। क्या क्या ऐसी चीजें मिली हैं जिसके मद्देनजर इन 34 लोगों को मार्क किया गया है, चिन्हित किया गया है, और किस तरीके से पर्दे के पीछे ये पूरी जांच आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, इनपुट क्या है विवेक? इसने लता, जब ये घोटाला हुआ था तो 1400 करोड़ रुपए के आसपास का ये घोटाला था, जिसमें से कहा गया था कि 90% जो रकम थी उसका पेमेंट हो गया और 60% काम भी नहीं हुआ था। यानी 60% काम नहीं हुआ और 90% पेमेंट। आप सोचिए कितनी बड़ी रकम की हेराफेरी हुई। और उसमें शिवपाल सिंह यादव उस समय तत्कालीन सिंचाई मंत्री थे, बहुत सारे आईएएस अफसर, आलोक रंजन जो समय मुख्य सचिव थे उनका भी नाम है। तो इन लोगों की सीबीआई जांच हो रही है, और अभी कुछ दिन पहले ही सीबीआई ने इनसे पूछताछ के लिए एक नोटिस भी भेजा था कि पूछताछ की जा सकती है और उनसे जानकारी ली जा सकती है इस घोटाले से संबंधित तमाम पहलुओं पर। और बहुत सारी कंपनियों को काम दिए गए थे, उसमें से जो चीफ इंजीनियर उस समय तत्कालीन सिंचाई विभाग के थे वो थे रूप सिंह यादव। रूप सिंह यादव को गिरफ्तार किया था पुलिस ने, उसके बाद उनको जेल भेजा था। बहुत सारे अधिकारी और इंजीनियर्स गिरफ्तार हुए थे सिंचाई विभाग के, लेकिन जो बड़े लोग हैं वो उन पर अभी आंच नहीं आई है। कई आईएएस अफसर, आलोक रंजन समेत कई आईएएस अफसर शुरू किया कि सिंचाई मंत्री शिवपाल सिंह यादव थे, सुरक्षा बंगला, और उसके बाद कहीं ये तो नहीं, ये प्रोजेक्ट अपने आप में ईडी के शिकंजे का शिकार होने की या तैयारी, कसने की तैयारी चल रही है। लता, सीबीआई जांच में तो शिवपाल सिंह का नाम आ सकता है, लेकिन ईडी की जांच में अभी फिलहाल उस दायरे में शिवपाल सिंह यादव नहीं है। हालांकि बहुत सारे जो इंजीनियर्स हैं और ठेकेदार हैं, उनका जो गठजोड़ है, जिस तरह से मनी का ट्रांजैक्शन हुआ, अवैध लेन देन हुआ, घोटाले हुए, कहां पर किस तरह से पेमेंट किए गए, बहुत सारे काम थे रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट में, बहुत सारे काम अलग अलग कंपनियों को दिए गए थे, उन कंपनियों से जुड़े ये लोग हैं। और कई ऐसी कंपनियां हैं जो देश में बड़ा नाम करती हैं, और कई जगह पर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए हैं, गुजरात में भी किए हैं, वो भी कंपनियां शामिल हैं इस पूरे घोटाले में। उनके जो अधिकारी हैं, उनके जो संचालक हैं, उनके जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, उनको तलब किया है ईडी ने, और उनसे पूछताछ की जाएगी। आज कई लोगों को बुलाया गया है पूछताछ करने के लिए, और ये सिलसिला अगले एक हफ्ते तक चलेगा, यानी 7 दिनों तक लगातार ईडी इन लोगों से पूछताछ करेगी। 34 से ये संख्या बढ़ भी सकती है, कई और लोग, जैसे पूछताछ होगी, इंटरोगेशन होगा, तो तमाम चीजें और सामने आएंगी, जो रिकॉर्ड्स हैं वो देखे जाएंगे, पैसा किस मद में लिया गया, किस मद का कितना काम हुआ। जब ये सारी छानबीन होगी तो और कंपनियों के लोग भी सामने आएंगे और ये संख्या बढ़ेगी। इसके बाद जो अधिकारी हैं उनसे पूछताछ कर सकती है ईडी, यानी जो पूरा एक चैनलाइजेशन का पूरा प्रोग्राम था। बिल्कुल, ये तो टेक्निकल एस्पेक्ट है, ये तो टेक्निकलिटी है विवेक, जो आप बता रहे हैं कि ये ईडी के कार्यशैली का हिस्सा है जो वो करने वाले हैं, और इस मद्देनजर जांच आगे बढ़ेगी। लेकिन जांच की आंच किस पर आएगी, जांच का असर किस पर होगा, और पर्दे के पीछे जांच की कहानी भी क्या हो सकती है या नहीं, ये समझने के लिए हम रुख करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि अगर जांच के टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करें तो विवेक बता रहे थे कि किस तरीके से ईडी अपना काम कर रही है, किस तरीके से सीबीआई अपना काम करती है, लेकिन वीरेश आपको क्या लगता है इस जांच की पूरी कहानी में आप दूर से क्या देख पा रहे हैं? देखिए, जब वर्णमाला हम पढ़ते हैं तो शुरुआत क से करते हैं, तो इस पूरे मामले की शुरुआत ठेकेदार से हो रही है और अज्ञ तक जाते हैं। इस पूरे विभाग का विभागाध्यक्ष कौन है,
प्रमुख सचिव है, उसका अभिभावक कौन है, मंत्री है, मंत्री कौन है, शिवपाल सिंह यादव है। रिवर फ्रंट घोटाला कब से चल रहा है, रिवर फ्रंट बना कब, 2016 से पहले जब सरकार समाजवादी पार्टी की थी, तो ठेकेदारों से पूछताछ की जाएगी, ठेकेदारों से क्या पूछताछ की जाएगी, घोटाले की पूछताछ की जाएगी, ठेकेदार टेंडर हुआ होगा उस पर चीज़ें बनी होंगी, कि कोई किसी ने ओबलाइज किया होगा, तो ओबलाइज करने की हैसियत किसकी है, मंत्री की हैसियत होगी, विभागाध्यक्ष प्रमुख सचिव की हैसियत होगी, मुख्य सचिव की हैसियत होगी, तो क से अज्ञ तक जाएगा, ए से जेड तक जाएगा, और जेड कौन है, विभागाध्यक्ष है, और जेड कौन है, उसका अभिभावक है, अभिभावक कौन है, शिवपाल सिंह यादव हैं, जी हाँ, तत्कालीन सिंचाई मंत्री शिवपाल सिंह यादव हैं। और इसके राजनीतिक मायने क्या है, बहुत सारे विपक्ष का आरोप है कि मैनपुरी चुनाव से इसे जोड़ा जा सकता है, देखा जा सकता है, क्योंकि रिवर फ्रंट घोटाला घोटाला कोई आज तो हम सुन नहीं रहे हैं, ये 16 में 17 में तभी से सुन रहे हैं, 17 की सरकार से ही सुन रहे हैं, और आज 22 चल रहा है, तो इसके बहुत मायने हैं, दर्शक समझ रहे हैं। बिल्कुल, बोतल से जिन आखिरकार कब कब बाहर निकलता है उसकी टाइमिंग भी तो देखनी पड़ेगी। अब देखना ये होगा कि जांच किधर जाती है और जांच की आंच में कौन कौन शामिल होता है। शुक्रिया। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।